हेलो, रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेजनर। पता नहीं कितनी बार हम इस मैच को देख चुके हैं। एक्चुअली मुझे पता है कितनी बार देख चुके हैं, ऑलरेडी 8 बार ये दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे के साथ कम्पीट कर चुके हैं एक सिंगल्स मैच में, और अब समरस्लैम में 9th टाइम कम्पीट करने वाले एक दूसरे के अगेंस्ट। और जब ये मैच फिर से अनाउंस हो गया था तब मेरे मन में एक क्वेश्चन आया था, एंड वही क्वेश्चन स्टार्क शिवम ऑफिशियल की तरफ से भी आया है कि जय ब्रो टॉप 5 ऐसे मैचेस बताओ जो सबसे ज्यादा बार हो चुके हैं। और यही चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने भी वाला हूँ। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ यार कि आपको बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज पता लगने वाली है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। फिर आगे जाने से पहले मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि इस लिस्ट में ब्रॉक वर्सेस रोमन के मैचेस का तो कोई नाम ही नहीं है। टॉप 5 में क्या उन दोनों के मैचेस टॉप 10 में भी नहीं आते। और हाँ, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि मैं सिर्फ सिंगल्स मैचेस की बात करूंगा, टैग टीम, ट्रिपल थ्रेट, फैटल फोर वे ये सब काउंट नहीं होंगे। ठीक है, अब स्टार्ट कर लेते हैं मैच नंबर 5 से, जो की है द मिज वर्सेस कॉफी किंगस्टन। और ये मैच WWE में 20 बार हो चुका है। ब्रेकिंग पॉइंट 2009 में इन दोनों का पहला मैच हुआ था। चलो मैच नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं, जो कि द सी नेशन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना वर्सेस द वाइपर, द लेजेंड किलर, द एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन। और इन दोनों सुपरस्टार्स के टोटल 21 मैचेस हो चुके हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको इन दोनों के मैचेस के बारे में बताता हूँ कि चलो सिंगल्स मैचेस तो 21 हुए इन दोनों सुपरस्टार्स के, लेकिन अगर टैग टीम्स वगैरह सारे इंक्लूड कर लिए जाए तो 12 साल के टाइम पीरियड में इन दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट 89 बार कम्पीट किया है, प्लस 4 बार तो जॉन सीना की स्पेशल गेस्ट रेफरी वाली अपीयरेंस रही है। और हाँ, इनका पहला मैच एडी गेरेरो की ट्रिब्यूट वाली रॉ में हुआ था। चलो मैच नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं, जो कि है द रेड मॉन्स्टर केन वर्सेस द बिग शो के बीच, और इन दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट 22 बार कंपीट किया है। अब यार इनके मैचेस की ज्यादा डिटेल्स मेरे पास नहीं है तो मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी नहीं देना चाहता, इसलिए सीधे मैच नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं, जो कि हमें देखने को मिला है डॉल्फ जिगलर वर्सेस द मिज का, वो भी 24 बार। और इन 24 में से इनके 5 मैचेस तो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए हुए हैं। अब वो लास्ट सिंगल्स मैच जो कि WWE में सबसे ज्यादा बार हुआ है, ये है डॉल्फ जिगलर वर्सेस कॉफी किंगस्टन का, और इन दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट 26 मैचेस में कंपीट किया है। और हम सब ब्रॉक वर्सेस रोमन को बोल रहे थे, मतलब बोलना भी चाहिए यार, क्योंकि यार मुझे क्या लगता है बात ऐसी है, ये जो सारे मैचेस हैं इनमें डार्क मैचेस भी इंक्लूडेड है, इनमें वो मैचेस भी इंक्लूडेड है जो कि रॉ स्मैकडाउन ऐसे वीकली शोज पर भी हुए हैं, लेकिन ब्रॉक वर्सेस रोमन एक ऐसा मैच है जो कि हर बार जब भी होता है हर बार मेन इवेंट में होता है, और वो भी कोई छोटे मोटे पेपरव्यूज के मेन इवेंट में नहीं, रेसलमेनिया और समर स्लैम जैसे पेपरव्यूज के मेन इवेंट में। ओके, तो यार यही थे वो सारे मैचेस जो कि WWE ने बार बार करवाए हैं। आई नो इतने भी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थे, बट अब डिमांड थी इस वीडियो की तो मैंने पूरी कर दी। अगर आपकी भी कोई डिमांड है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या पता नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक पर बन जाए। एंड एज ऑलवेज अभी 2 वीडियोस आपके सामने आ रही होंगी समर स्लैम के टॉप 5 बेस्ट मैचेस जानने के लिए, ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करना, और इस साल के समर स्लैम में हमें कौन कौन से मैचेस देखने को मिल सकते हैं वो जानने के लिए नीचे वाली वीडियो पे। मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय लॉगिंग आउट।